नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि सावन महीना लग चुका है और आपको वीडियो भी दी हूं, नया पुराना वीडियो भी सर्च करके देखें कि सावन का व्रत उद्यापन कैसे करते हैं, सावन का 1600 मार्ग यानी 1600 मार्ग का व्रत कैसे करते हैं, प्रत्येक सोमवार का व्रत कैसे करते हैं, सावन को सोमवार का व्रत कैसे करते हैं, उद्यापन कैसे करते हैं और क्या खाना चाहिए। अब आपको वीडियो दूंगी मंगला गौरी का भी वीडियो दी हूँ, विधिवत दी हूँ, आप सर्च करके आसान ज़िंदगी में ज़रूर देखें। मंगला गौरी व्रत, नवविवाहित जो युवतियाँ होती हैं, वधुएँ होती हैं, महिलाएँ जो होती हैं जिनका विवाह इस साल हुआ है, वो मंगला गौरी का व्रत करती हैं और ज़रूर करना चाहिए। युधिष्ठिर जी जैसे भगवान कृष्ण से सभी व्रतों के बारे में विस्तार से जानते हैं, वैसे ही मंगला गौरी व्रत के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछे कि मंगला गौरी का जो व्रत महिलाएं करती हैं इसका क्या फल है, कैसे किया जाता है। तो विस्तार पूर्वक आप जब कथा लोगे, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है, इसकी अगर कहानी दूँ मैं तो आधा घंटा कहानी में लग जाएगा, तो संक्षिप्त में बताती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी पूछते हैं इस व्रत के बारे में। कुंडिन नाम का एक नगर रहता है, उस नगर में धर्मपाल नामक वैश्य जो कि ब्राह्मणों और देवताओं का काफ़ी पूजन पाठ मान सम्मान करते हैं, अत्यंत धनवान हैं, पर उनके पुत्र नहीं थे। पुत्र न होने की वजह से पहले के लोग बहुत ज़्यादा मानते जानते थे, पुत्र न होने की वजह से धर्मपाल के यहाँ से कोई भी भिक्षु, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी याचक भिक्षा नहीं ग्रहण करते थे, जिसकी वजह से उनकी पत्नी को काफ़ी दुख होता था। तो ये विस्तार से कहानियाँ आप कथा में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उनकी पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और धर्मपाल जी से बोली कि हम भिक्षा देते हैं, अन्न दान करते हैं, तो जटाधारी एक आते हैं, रुद्राक्ष वगैरह पहन के, जटा बढ़ा के और भभूति वगैरह लगा के, फिर हमारा वो अन्न लेने से इनकार कर देते हैं। तो धर्मपाल जी बोले कि अन्न नहीं लेते हैं तो उनको कुछ स्वर्ण वगैरह थैली में बांध के बिना दिखाए दे दोगे तो क्या है क्या नहीं है करके वो ले लेंगे। तो स्वर्ण दान करती हैं, लेकर आती हैं, तो वो जो जटाधारी जो साधु थे वो श्राप देते हैं कि तुम्हारे यहाँ से हम अन्न नहीं ले रहे हैं, कि तुम संतानहीन हो, तुम हमको स्वर्ण दान दे रहे हो कि लालच में आकर हम ले लेंगे, नहीं लेंगे। श्राप देते हैं कि तुम सदा ही संतानहीन ही रहोगे। तो उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता और धर्मात्मा थी, तो चरण पकड़ के रोने लगती हैं कि नहीं धर्मात्मा, साधु आप हमको क्यों श्राप दिए, हम तो वैसे ही पुत्रविहीन ही हैं, कहें पुत्रविहीन ही रहोगे तुम लोग। तो बोले नहीं, इस श्राप से मुक्ति दिलाओ, काफ़ी याचना करी, रोने लगी। तो वो पंडित बोले कि देखो, नीले रंग का वस्त्र पहन के अपने पति से बोलो, नीले रंग का वस्त्र पहन के नीले घोड़े पर सवार होके वन में जाएं, और घने वन में जहाँ ये घोड़ा ठिठक जाएगा, रुक जाएगा, वहाँ पर खुदाई करेंगे तो स्वर्ण रत्नों से सुसज्जित एक मंदिर मिलेगी, जलाशय रहेगा, पक्षी पक्षी चकवा चकवाई रहेंगे, तो वहाँ पर देवी का आराधना करोगे तो देवी प्रकट होकर तुमको पुत्र का वरदान देंगी। वैसे ऐसा ही किए, मंगला गौरी कथा में ऐसा ही है, ऐसा किए और देवी प्रकट होती हैं मातेश्वरी, और उनको बोलती हैं कि तुम्हारे भाग्य में सुख देने वाला दीर्घायु पुत्र है ही नहीं, या तो अल्पायु पुत्र है या नेत्रहीन दीर्घायु पुत्र है, या कन्या ऐसी रहेगी कि वो वैधव्य को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे तीन हैं तुम्हारे में, तो तुम क्या लोगे, तीनों में से कौन सा वरदान लोगे। तो वैसे बोलता है कि हम वैधव्य प्राप्त कन्या क्या करेंगे, नेत्रहीन पुत्र क्या करेंगे, इसलिए हमको अल्पायु ही पुत्र दे दो, इससे हमारे पितरों का उद्धार हो, हम सबका उद्धार हो, हम नरक में न जाएं। जितनी थोड़ी बहुत भी आयु रहेगी उसने हम लोग का जो तर्पण वगैरह होता है तो कर ही लेगा। तो माता उनको बोली कि हमारे ही बगल में गणपति जी का एक मंदिर है, तो वहाँ पर जाके गणपति जी के नाभि पर चढ़ के और उनके पास में आम का चमत्कारी फल है, उसको ले जाना, अपनी पत्नी को खिला देना, तो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। वैश्य ने ऐसा ही किया, भगवान जी के जहाँ स्थापना हुई थी वहाँ गए, उनके नाभि पर चढ़ के फल को पीछे से उठाए, जब एक फल उठाते तो वहाँ दूसरा फल फिर हो जाता था, क्योंकि कोई भी याचक कोई भी वहाँ आएगा तो उनके लिए भी फल चाहिए था। तो ऐसे करके कई बार ऐसा किया तो गणपति जी श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम्हारा पुत्र
अल्पायु होगा और 16 वर्ष की उम्र में सर्प डंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी सांप डसने से काटने से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तो धर्मपाल नामक जो वयस्य थे उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि माता उनको खुद ही बताई थी कि हाँ अल्पायु पुत्र होगा। तो अल्पायु मतलब कितना आयु, 16 साल की आयु बताए गणपति जी। तो उनको बहुत मतलब मन में ये हुआ कि चलो 16 साल की आयु में तमाम हम लोगों का पितरों का सबको तर्पण करने के लिए जो भी हम लोगों का रहेगा सब कर देंगे, पितरों का जो हमारे हैं उनका कर देंगे। तो वो आए और मतलब इस जो कहानी है बहुत विस्तार से बहुत बड़ी कहानी है कि वहाँ पर वो खोदे, फिर मंदिर मिली, फिर देवी का दर्शन हुआ, तो फल ले आए, अपनी पत्नी को खिलाए। तो उसके बाद पत्नी गर्भवती होती है, 9 महीने के बाद उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति होती है, संतान प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो भी जात कर्म होते हैं, यानी छठ पूजा छठवें दिन और जो भी 12वें दिन नामकरण, छठवें महीना में अन्नप्राशन, तीसरे साल में मुंडन, छठवें साल में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, ये सभी संस्कार विधिवत करे। उनकी पत्नी बोली कि पुत्र का विवाह भी कर दो। तो धर्मपाल बोले कि हाँ कर दूंगा, पर हम मान्यता माने हैं कि ये काशी बनारस जाके विश्वनाथ जी का दर्शन करके आएगा पुत्र, तब हम इसका विवाह करेंगे, संपन्न करेंगे। उसके बाद काशी बनारस के लिए अपने पुत्र के मामा के साथ कुछ सगे संबंधियों के साथ भेज देते हैं। रास्ते में जाते समय एक नगर पड़ता है प्रतिष्ठापुर, वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ बालाएँ कुछ कन्याएँ खेलती रहती हैं आपस में, और एक उसमें से गौरव वर्ण की कन्या भी रहती है जिसका नाम रहता है सुशीला। तो कन्याओं में आपस में कुछ कहा सुनी हुई, तो जो सुशीला की जो सखियाँ थी उसको अभद्र गालियाँ देने लगी कि तू अभागिन है, तू रंडे है, ऐसे पल के गालियाँ देने लगी। तो सुशीला बोलती है, सुंदर कन्या रहती कि हमारा कोई दोस्त नहीं है सहेली, तुम ऐसे ही हमको गालियाँ दे रही हो, और जो अपशब्द तुम हमारे लिए बोल रही हो कोई माने नहीं रखता है। और ये मामा और ये शिव नामक पुत्र, शिव धर्मपाल जी शिव रखे थे नाम अपने पुत्र का, शिव नामक पुत्र कुछ सखे संबंधी इन बातों को सुन रहे थे। बोले कि तुम्हारे रंडे जो गालियाँ दे रही हो ऐसा कुछ भी कहने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी माता श्री गौरी जी का, मंगला गौरी जी का व्रत करती हैं। अब ऐसी मान्यता है कि जिसकी माँ मंगला गौरी का व्रत करती हैं उनकी पुत्री या खुद माँ और उनकी पुत्री भी कभी भी वैधव्य को प्राप्त हो ही नहीं सकती, यानी कि वो कभी विधवा हो ही नहीं सकती, तो हमको गालियाँ देती रहो। ऐसा कह के सुशीला नाम की सुंदर कोमल सुकुमारी जो कन्या रहती है वो अपने घर को चल देती है। तो पीछे पीछे शिव नामक वैश्य के पुत्र रहते हैं, ये इनके मामा और बाकी लोग भी चलते हैं उनके पीछे पीछे कि इनका घर कहाँ है। उनके मामा को ये विचार आता है कि काश इस कन्या के साथ अगर शिव नामक उनके भांजे का विवाह हो जाता है तो जो 16 साल की आयु में इनको मृत्यु लिखा हुआ है यानी कि मर जाएंगे, अगर इस कन्या के साथ विवाह हो जाता है तो हमारा भांजा 100 वर्षों तक जिएगा, ऐसा क्या किया जाए, किस कन्या के साथ विवाह हो जाए। तो वहाँ पर कन्या के घर के पास ही जलाशय रहता है, वहाँ टेंट वगैरह लगा के वो लोग, क्या है कि जब पहले के लोग जाते थे तो सारी व्यवस्था करके जाते थे और रथ वगैरह से जाते थे, तो बहुत दिन में उस जगह पर पहुँचते, तो सारी व्यवस्था जहाँ रुकते थे वहाँ टेंट, और रुकते वहाँ थे जहाँ पर जलाशय रहे, कुआँ रहे, नदी तालाब रहे कि स्नान वगैरह बाकी सभी जो काम होते हैं जल के वो सब मिल जाएँ। तो पास में जलाशय में रुके, और इसी बीच में जो कन्या के पिता थे वो अपनी कन्या का विवाह तय करते हैं हर नामक एक बालक के साथ, और वो बालक अपने आप को सुशीला नाम की उस कन्या के साथ विवाह करने में असमर्थता अपने माँ बाप को बताता है। विवाह तो तय हो गया था, बारात आने वाली थी, सब कुछ था। तो जो हर नामक वर की माता थी वो पास में जो टेंट वगैरह लगाते वो देखी तो बहुत सुंदर उनके पास जो शिव नामक बालक था, बोले कि ऐसे में बहुत हमारा उपहास होगा, तो ऐसा करिए जो सेहरा वहरा लगाए रहते हैं पता नहीं चलता है कि आप अपना इस बालक को हमको दे दो रात भर के लिए लगन मंडप के लिए, फिर आप अपने बालक को लेकर यात्रा पर चले जाना, हमारा पुत्र विवाह में असमर्थता व्यक्त कर रहा है, विवाह अभी नहीं करना चाहता है। तो मामा बोले हाँ ठीक है, वो तो पहले से ही चाहते थे कि विवाह हो, हाँ ठीक है, कहानी बहुत बड़ी है। तो बोले हाँ ठीक है, ले जाते हैं, विवाह होता है, मतलब शिव के साथ सुशीला का विवाह भी हो जाता है और उस कन्या के साथ रात को शिव नामक वो वर वधू साथ में रहते भी हैं। फिर रात्रि को स्वप्न आता है माँ गौरी का सुशीला के लिए कि हे भद्रे, तुम्हारे पति को इस समय बहुत भयानक सर्प मतलब काटने के लिए आ रहा है, तो ऐसा करो कि तुम उठ जाओ, उसके लिए दूध का बर्तन और एक कलश घड़ा रख दो, तो घड़ा में आके वो सांप बैठ जाएगा। सुशीला वैसा ही करती हैं, दूध का पात्र रखती हैं, घड़ा रखती हैं, बोले जब सांप घड़ा में बैठ जाएगा तो उसको आप अपने आंचल से बांध लेना।
और सुबह उसको अपनी माता को दे देना उपहार बायना के स्वरूप। तो सुशीला ऐसा ही करती हैं। फिर रात्रि को कुछ देर के बाद वो शिव नामक जो बालक रहता है वर पति उनका, बोला सुशीला से कि हमको भूख लगी है, कुछ हमको खाने को दो। तो सुशीला शादी ब्याह का घर ही था ही, लड्डू वगैरह उनको देती हैं तो खाते हैं, और उस पात्र में एक अंगूठी करके कहीं छिपा देते हैं, रख देते हैं अपने नाम का अंगूठी। फिर वो सुशीला उठती हैं सुबह स्नान वगैरह करके और माता को वो घड़ा सौंप देती हैं, तो उसमें से सुंदर मोतियों का हार वगैरह निकलता है, तो काफ़ी खुश होती हैं। फिर उनके पति भी आते हैं, यानी पति, तो बोलती हैं सुशीला बोलती हैं कि यही मेरे पति हैं। तो बोले तुम्हारे पति तो ये नहीं थे, और कोई था? कहना ही विवाह हमारा इन्हीं के साथ हुआ है, हम इनके साथ रात में रहे भी हैं। तो बोले लेकिन ऐसी कोई पहचान हो, कोई चिन्ह हो कि बताओ कि हाँ इनके साथ तुम रही हो रात को, तुम विवाह तुम्हारा इन्हीं के साथ हुआ है। तो वो शिव नामक बालक बोला हाँ हम बताते हैं आपको। तो अंदर जाके वो पात्र ले आता है, बोले हम यहीं पर थे और खाना वगैरह भी खाए थे, और पात्र में कहें कि देखो यहाँ सैया के बगल में अंगूठी भी हमारे नाम की, देखो मैं यहाँ छोड़ के गया था वहाँ पर। तो उनके पिता खुश होते हैं और बोल देते हैं कि हाँ तुम्हारी पत्नी है, तो काफ़ी धन धान देकर उनको वहाँ से विदा कर देते हैं। विदा करने के बाद फिर वो अपने घर आते हैं धर्मपाल नामक पिता के यहाँ, और आके चरणों में उनके शीश नवाते हैं। उनका विवाह होता है, उनका मामा बताया कि कैसे कैसे विवाह हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद वो रहने लगते हैं। यानी हम संक्षिप्त में इस कथा को बताए हैं। इस कथा को विधि पूर्वक पढ़ने के लिए ये देखिए आप मंगला गौरी व्रत कथा मंगाइए, और इसमें विधि पूर्वक कथा छपी हुई है। हम ऐसे ही थोड़ा बेसिक जानकारी दी है थोड़ा सा कि आप मंगला गौरी क्यों करें, क्यों कि अगर कोई भी व्याधा आपके पति के ऊपर है भी तो इस व्रत के करने से, या माँ करती है तब भी बेटी के करने से, यानी कि जब अब जैसे कहानी बताई कि बहुत विस्तार से है, तो उनकी सहेली भी बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि सहेली ऐसी कौन सी व्रत आपकी माँ करती हैं, हमको भी बताओ। और ये जो सुशीला की जो सास हैं वो भी पूछी कि ऐसा कौन सा व्रत है बहू, आप बताओ ऐसा कौन सा व्रत है। कहें व्रत तो हम तो पहली बार किए, क्योंकि मेरा विवाह भी इस साल हुआ, तो पहली बार हम इस व्रत को किए हैं, लेकिन हमारी माता इस व्रत को करी हैं, वास सबका आशीर्वाद है कि जो हमको ऐसे पति मिले। संक्षिप्त में कहानी बता के बताना चाहूँगी कि जो भी बेटियों का विवाह हुआ है, पहले भी वीडियो दी हूँ, तो वो इस व्रत को या तो सावन का जो 5 साल का मंगलवार, यानी 1 साल में 4 मंगलवार पड़ता है, कभी कभी 5 मंगलवार होता है, तो 5 साल तक लगातार इस व्रत को करने का विधान है। और नहीं तो ऐसा भी विधान है कि सावन के मंगलवार से शुरू करके साल का सभी मंगलवार, यानी सभी महीने का 12 महीने का मंगलवार भी करके विधिवत उद्यापन करने से भी 5 सालों का जो महागौरी का व्रत होता है मंगला गौरी का, वो भी पूर्ण माना जाता है। तो साल में 50-52 मंगलवार पड़ते हैं, यानी किसी महीने में 4-6 महीना तो 4-4 मंगलवार, किसी किसी महीने में 5 मंगलवार पड़ता है, तो 50-52 मंगलवार पड़ता है। तो मैं तो यही सोचूंगी आप लोग यही करो कि जो साल भर का पूरा मंगलवार है यही कर लो आप। अब पूरा विधि विधान आपको दिखाऊंगी कि इस मंगला गौरी व्रत कथा में पूरा विधि विधान है कि कैसे किस तरीके से पूजन किया जाता है। तो आजकल के बहुत व्यस्त जीवन है, अगर ऐसा पूजा न भी कर सकें तो आप सुबह शाम मंदिर में जाके, यानी गौरी शंकर के मंदिर में जाके आप मंगला गौरी का पूजन कर सकते हैं। जैसे कि 4 लिंग बनाते हैं, शिवलिंग रखते हैं, सब पूजा जैसे आप ना कर सकें, 4 पहर की पूजा ना कर सकें, तो सबसे श्रेष्ठ होता है मंदिर में जाके पूजा करना और उद्यापन जब करें, यानी जब उद्यापन हर साल नहीं किया जाता, जब मान लो आप 5 साल का व्रत कर रहे हो तो 5वें साल पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाएगा, मंगलवार के दिन ही उद्यापन किया जाएगा। और जो इस साल भर का पूरा मंगलवार बता रहे हो तो साल भर पूरा हो जाएगा, तो आप उद्यापन करें, और अगर रुद्राभिषेक करा लें तो अति उत्तम है। तो मैं आपको बता रही हूँ मंगला गौरी व्रत के बारे में कि मंगला गौरी व्रत नवविवाहित जो युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको करना चाहिए। पहली बार इस व्रत को अपने पिता के घर से शुरू करना चाहिए, किसी भी व्रत को पिता के घर से शुरू करके फिर अपने पति के घर में व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। तो सभी व्रतों का बहुत ही शुभ फल होता है, और श्रद्धा भक्ति से करने से सभी व्रतों का शुभ फल प्राप्त भी होता है। इस बीच में मान लीजिए आप अगर 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं, या प्रत्येक सोमवार का व्रत कर रही हैं, या
सोमवार का व्रत कर रही हैं तो आप मंगला गौरी का व्रत कदापि न उठाएं। पहले सोमवार के व्रत का उद्यापन कर दें और फिर मंगला गौरी का व्रत करें। कोई भी व्रत कंटिन्यू यानी एक पर एक, जैसे कि मान लीजिए बभो लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो गुरुवार का व्रत न करें, किसी एक व्रत का उद्यापन करके फिर दूसरे व्रत को प्रारंभ करें। तो मंगला गौरी का आप व्रत शुरू कर सकती हैं इस बार से। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली बनी नहीं है, पता ही नहीं है आपको लड़का लड़की का, किसी एक का कुंडली है तो दूसरे का नहीं पता है, तो ये सब पूजा और व्रत सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके आयु को बढ़ाते हैं। ये पुराणों युक्त कथाएं हैं, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। तमाम ऐसे होते हैं बोलते हैं कि हाँ जितनी आयु लिखवा के लोग लाते हैं वैसा, लेकिन चमत्कार भी होते हैं। आयु घटती और बढ़ती भी है, सुकर्म से आयु बढ़ती है, कुकर्म से आयु घटती है, ऐसा प्रत्यक्ष में देखा भी गया है। तो ये सब सुकर्म है, अच्छे कर्म हैं, दान पुण्य सभी का मान सम्मान करना, किसी का अपमान नहीं करना, तो ये सब सुकर्म में आते हैं। बड़ों का चरण स्पर्श करना, जैसे बड़ों का आप सेवा नहीं भी कर पाते, दूर हो तो उनको अनादर न करो, फोन से ही हाल चाल ले लो, तो सभी बातें सुकर्म में आती हैं। तो मैं आपको मंगला गौरी व्रत कथा के बारे में बताई हूँ, लेकिन आप लोग कथा व्रत कथा जो बार बार मैं दिखा रही हूँ कि ये व्रत कथाएं जरूर लें और इनको जरूर पढ़ें। जब कथा पढ़ें यानी पूजा पूरा हो जाए, जैसे मान लें आप मंदिर में पूजा कर रही हैं तो वहाँ कथा को तब पढ़ें जब मंदिर में शांत हो कि उस कथा को आप समझ पाएँ। अब अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मंदिर में पूजा करके आएं और घर में आसन पर बैठ के एक दीप जला लें, हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें और मंगला गौरी का पूरा व्रत कथा पढ़ें और फिर इस किताब को रख के इसी किताब की या शिव और पार्वती जी का कोई फोटो हो उसकी विधिवत आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं और व्रत को पूर्ण करें। बिना कथा के, बिना व्रत कथा के पूजा पूर्ण नहीं होता। या ऐसा भी होता है कि किसी कॉलोनियों में बहुत सारी महिलाएं व्रत रहती हैं तो पंडित जी आते हैं, सब लोग नीचे बैठ जाते हैं और पंडित जी आते हैं और मात्र पंडित जी कथा कहते हैं, सभी लोग कथा श्रवण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ है तो ऐसा भी कर सकती हैं। रात्रि जागरण का काफ़ी महत्व है, रात्रि में जागरण करें, कीर्तन करें, भजन करें। भगवान शिव जी के सुंदर सुंदर से भजन हैं, उसको खुद गाएँ, ढोल बजा के, मजीरा बजा के नाचें और दीप जब जागरण करें तो अखंड दीप जरूर जलाएं। चाहे समूह में, जैसे तीज वगैरह होता है तो लोग जब जागरण करते हैं तो अकेले भूत की तरह कोई नहीं बैठ सकता, जब समूह में रहते हैं तो गाना बजाना, खुशियां, हंसी मजाक ये सब होता है, तो रात्रि जागरण में बीत जाती है। तो मैं आपको बताई हूँ मंगला गौरी के बारे में कि मंगला गौरी व्रत करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है। तो आप मंगला गौरी व्रत करें और इसके बाद पशुपतिनाथ जी का व्रत पूजन का भी वीडियो आगे दूंगी आप सभी के लिए। ये सभी पर्व मंगलमय हों, सुखमय हों, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।